आज मैं आपके सामने क्लास थर्ड का मैथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इसमें हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज थर्ड, आप इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे हम क्या चीज प्लेस वैल्यू और उसके बाद प्लेस वैल्यू पढ़े थे, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े थे और शॉर्ट फॉर्म भी पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम इसमें आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, हमने 60 नंबर का क्वेश्चन आपको बता दिया था, आज पढ़ना है 70 क्वेश्चन। इसमें लिखना है राइट द सक्सेसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी अनुक्रम लिखना है, उसके जस्ट आगे वाले नंबर को फाइंड करना, एक आगे सक्सेसर का मतलब उसके एक ऐड कर दे, वन ऐड कर देंगे तो आपका सक्सेसर क्या होगा फाइंड हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 70 नंबर का कह रहा है क्या चीज, फाइंड राइट द सक्सेसर, सक्सेसर फाइंड करना है, ठीक है, ये सक्सेसर फाइंड करना है इसका आपका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका ए, ए नंबर दिया है 568। अब देखेंगे द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर ऑफ 568 इज इक्वल टू 568 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें 8 18 कर देंगे 9 हो जाएगा 569, ये आपका आंसर हो जाएगा। सक्सेसर ऐसा ही फाइंड करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको जो दिया है उसको ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर दिया हुआ है, क्या चीज, राइट द प्रेडिक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको इस पूर्व क्रम, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती क्रम बोलते हैं हिंदी में, पहले क्या पड़ेगा उसके बारे में सारे क्वेश्चन को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्या कर रहा है, प्रेडिक्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना, प्रेडिक्शंस, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 700, तो आपको प्रेडिक्शन फाइंड करना है, तो लिखेंगे प्रेडिक्शन ऑफ, ठीक है, ऑफ 700 इज इक्वल टू, अब क्या